बिल्कुल नहीं क्या कोई पैरेलल कांग्रेस चला रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं ये गल कही, बिल्कुल बिल्कुल ये गल नहीं कही, बट हां सानू अपने आप च डिसिप्लिन लेके आने की लोड़ है। सानू सबनू और जेड़ा भी मेरा ख्याल कोई भी डिसिप्लिन की उलंघना करता है उन्होंने चाहिए कि अपने आप च डिसिप्लिन लेके आने की लोड़ है। जी सो ये डिसिप्लिनरी कमेटी का फैसला है। सुनील जाखड़ भी साढ़े सरकारी पहला लीडर जो उन्होंने काम किया है। सो ये डिसिप्लिन कमेटी ने जो फैसला उन्होंने नोटिस दिता है ये उन्होंने दोनों के दरमियान है। ये उत्ते मैं कोई क्योंकि एआईसीसी मैंबर होने के नाते एआईसीसी ने उन्होंने उपर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है और क्यों नोटिस दिता है वो दस सकते हैं। जितों तक रही किसी होर नू नोटिस इहदे बारे भी मेरा ख्याल कि जिहड़ा भी व्यक्ति एआईसीसी का मैंबर हुंदा है किसी नू नोटिस दिता गया या नहीं दिता गया ये हाईकमांड ही दस सकती है। इहदे ते मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो जी हर व्यक्ति हक है वो कि भी कर सकता है, हर व्यक्ति हक है कि वह आपकी कितने भी आवाज बुलंद कर सकता है। यही तो कांग्रेस है, कांग्रेस के खुदा मंच है, लेकिन शर्त यह है कि जाबते दे विच रह के यह नहीं हो कि उहदे विच कांग्रेस पार्टी दे कोई ना कोई उन्हूं कमजोर करने लई कोई काम किया जाए और अगर कोई पार्टी नूं कमजोर करने विच कोई काम करेगा तो उहदे ते अनुशासनी कार्रवाई जरूर होएगी। बिल्कुल मैं समझना है कि सुरजीत धमाल जी नूं पार्टी तो वैसे तो असीं किसे नूं कढ़ना नहीं चाहते, असीं सब नूं जोड़ना चाहते बट कई बार वो कुछ करना पैंदा। लेकिन मैं समझना है कि पार्टी चो कढ़िया गया व्यक्ति है जिहड़ा है और किसे नाल निजी घूम रहा उहदे ते मैं की टिप्पा टिप्पणी करा, लेकिन वो पार्टी चो मुकम्मल तौर ते उन्हां नूं बरखास्त किया गया कांग्रेस पार्टी नाल उन्हां दा कोई लेन देन नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ही दस सकते ने आए सी मिले मैं जा रहा सी मेनू मिले उन्होंने जफी पाई बधाई दी हूं अंदर उथे एक समागम च क्यों नहीं बैठे तो की गल है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ मेरे को लगता है कि ये चेतावनी तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ मेरी इच्छा जरूर है कुछ और हो ना हो लेकिन डिसिप्लिन जरूर कायम रहेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये ना आपको ये आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं कह सकता। सो मेरा ख्याल राजनीत जी देर इज नो टाइम लिमिट पर थोनू अपने आप ही क्योंकि जो कोई शिकायत आएगी डिसिप्लिन बनता थानू हो सकता है तीन दिन नजर आ जाए।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਸੀਮਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਈਟ ਬੀ ਟੂਡੇ ਇਵਨਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਅਗਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈਏ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਦਰਣੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੇਵਾਨੀ MLA ਸੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਲਮੋਸਟ ਫੜ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਸੇਮ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਥਰਡ ਪਿਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਵਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜੋ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ये तो अभी ट्रेलर है अभी आगे आगे देखना होता है यार एक मंत्री मलोट में उनके उनके घर के बाहर भी एक धरना लग चुका है और उनके साथ को कुछ सस्पेंड भी किया जा चुका है ऐसे ये नया बदलाव है तो इसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी मैं कह रहा हूँ कि उनको हमने समय दिया हुआ है क्योंकि अक्सर ही वो कहते हैं कि हमें समय दीजिए तो हम चाहते हैं कि उनको समय दें और जब समय आएगा और हम जोर से बोलेंगे और सर दो सवाल है एक राजा भवन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है इससे इतनी बड़ी बातें हुई है और दूसरा राजा भवन की टीम कब तक आ रही है आपको लगता है कि मैंने कभी चुनौती मानी मैं जिंदगी में किसी भी चीज को कभी मैंने चुनौती नहीं माना और इसीलिए ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने की वजह से भी आज तीसरी बार उस एरिए से जीत के आया हूं जहां से कभी कांग्रेस पार्टी जीती नहीं और कोई चुनौती नहीं है केवल समय का भाव है आप आने वाले दिनों में देखेंगे और जो कमेटी की आप बात कर रहे हो आज के ठीक एक महीने बाद पूरे का पूरा संगठन जिला स्तर पर बना होगा पूरा सर।